भारतीय कुश्ती संघ महज एक मजाक बनकर रह चुका है। जी हाँ, कभी पुराने अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप लग जाते हैं या फिर से चुनाव किए जाते हैं, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद रेसलर साक्षी मलिक ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया, क्योंकि संजय सिंह जो है चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री भी वापस करने की बात कह दी। अब खेल मंत्रालय ने रविवार यानी कि आज एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने संजय सिंह के नेतृत्व में हाल ही में ही चुने गए नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। वो गुरुवार को ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। कुश्ती संघ के लिए चुनावों में उन्होंने 47 में से 40 वोट हासिल किए थे, जबकि उनकी प्रतिनिधित्व और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अनीता को सिर्फ 7 वोट मिले थे। अनीता को बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवानों का फुल समर्थन था। संजय सिंह इससे पहले उत्तर प्रदेश कुश्ती संस्था के उपाध्यक्ष रह चुके थे। वो 2019 में WFI की अंतिम कार्यकारी परिषद का हिस्सा थे। नए कुश्ती संघ ने हाल ही में ही जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोंडा में कराने का ऐलान किया था। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये फैसला WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया है। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा कि WFI के नव निर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा किए गए फैसले WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। ऐसे फैसले कार्यकारी समिति द्वारा किए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना जरूरी होता है। इन फैसलों में नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है। एथलीट हितकारों और जनता के बीच विश्वास बनना अहम है। खेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि नया कुश्ती संघ खेल संहिता की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए पूरी तरह से पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में है, जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने कहा कि फेडरेशन का कामकाज पूर्व पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। इस परिसर के लिए खिलाड़ियों के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था और वर्तमान में कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।